फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल वी के एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है क्लास 9 CBSE मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोस्केल ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ थ्री डिफरेंट shapes as shown in figure B. How much paper of each shade has been used in? दोस्तों एक स्क्वायर शेप की काइट है जिसके डायगोनल जो हैं वो 32 सेंटीमीटर है और काइट का जो बेस है वो एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है यानी सम विभाग ट्रायंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर और साइड्स दोनों साइड 6 सेंटीमीटर ईच है। तो उनमें कितना हर शेप में कितना पेपर यूज होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। डायगोनल जो है होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाईसेक्ट करते हैं कितने पर 90 डिग्री पर बाईसेक्ट करते हैं। ठीक है तो अभी हमको क्या करना है दोस्तों ये फर्स्ट पोर्शन है ये फर्स्ट शेप है और ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट शेप में ये ट्राइंगल है तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट अगर ये हमको मिल जाए और ये मिल जाए बेस तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देख ये क्या है ये इसके डायगोनल्स हैं इन एक दूसरे को बाईसेक्ट करते हैं इट मीन्स ये हो गया 16 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक और ये है टोटल 32। तो इसका एरिया हो जाएगा फर्स्ट शेप का एरिया हो जाएगा फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ काइट 1/2 इंटू 32 इंटू 16 इजिकल टू 16 इंटू 16 इजिकल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड फेस सेकेंड पार्ट काइट के सेकेंड पार्ट का एरिया भी सेम आएगा। ठीक है इस पार्ट का एरिया भी सेम आएगा क्योंकि ये इसकी हाइट होगी और ये इसका बेस हो गया तो हाइट होगी 16 और बेस हो गया 32। तो इसी तरह से सेकेंड पार्ट का भी निकाल लेंगे 1/2 32 इंटू 16 इजिकल टू 16 इंटू 16 यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि थर्ड शेप की यानी इसकी शेप की। तो यहाँ पर तीनों साइड हमको दी हुई हैं तो यहाँ पर साइड हमको दी हुई होती हैं वहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं वहाँ पर हीरोन फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों ए बी सी यहाँ पर थर्ड पार्ट का एरिया काइट के थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ काइट एरिया इजिकल टू आइसोस्केल ट्राइंगल हैविंग बी एस 8 सेंटीमीटर एंड ईच साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है तो हीरोन फॉर्मूला अप्लाई कर लिया ए बी सी क्या है 6 ए को 6 मान लिया बी को 6 और सी को 8 इस तरह से एस आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल एस इजिकल टू 6 + 6 + 8 डिवाइड बाई 2 यानी 10 आ गया। फार्मूला रख दिया अंडरवुड के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये हीरोन फार्मूला है एरिया निकालने के लिए जब ट्रायंगल की साइड्स दी हुई होती हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एस है क्या है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है और ए बी सी क्या है साइड्स है इनमें वैल्यू पुट अप कर दी दोस्तों। ठीक है ए बी सी की वैल्यू पुट अप कर दी वैल्यू पुट अप करने से ये आ गया। ठीक है ये इस तरह से आ गया 8 10 ये आ गया 4 4 और 2 इस तरह से तो ये 4 ये डबल 4 में है और 2 भी डबल में है 4 भी डबल में है और 2 भी डबल में है ये एक एक बाहर आ जाएंगे। ठीक है और 5 अंडर रूट में रह जाएगा तो आएगा 8 √5 रूट फाइव की वैल्यू निकाल लेंगे रूट फाइव की वैल्यू है 2.236 इसको हम लिख लेंगे 2.24। ठीक है 6 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा होता तो उसको हम एक छोड़ देते हैं और उसके बाद वाला जो है लेफ्ट वाला वो एक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है इस तरह से ये हो गया और 8 × 2.2 मल्टीप्लाई कर लिया आ गया 17.88888 तो 888 ये 8 है यहाँ नहीं छोड़ा हमने यहाँ छोड़ देते हैं तो यहाँ 8 इसको छोड़ देंगे और एक इसमें इंक्रीज कर देंगे तो हो गया 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट का एरिया होगा। ठीक है दोस्तों तो इस तरह से तीनों और अगर इनको जोड़ना है तो तीनों पार्ट का एरिया आप जोड़ दो यहाँ पर इस तरह से जोड़ के 529.89 सेंटीमीटर जो है ये टोटल एरिया हो जाएगा। थैंक यू। ये था वीडियो कैसा लगा दोस्तों लेट मी इन कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू वांट टू
लाइक सब्स टाइप ऑफ वीडियो. थैंक यू.